दिल्ली एयरपोर्ट ते यात्रियों वालों किया गया भारी हंगामा। एयर इंडिया खिलाफ जम के की नारेबाजी। तड़के 2 बजे शारजा तो अमृतसर लई चली सी फ्लाइट। अमृतसर की बजाय दिल्ली एयरपोर्ट उतार गई फ्लाइट। एयरपोर्ट के अंदर जाने की नहीं मिली इजाजत। दस दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों वालों वड्डा हंगामा किया गया, जिस विच यात्रियों ने एयर इंडिया के खिलाफ जम के नारेबाजी की है। मिली जानकारी अनुसार दुबई के शारजा तो अमृतसर लई फ्लाइट चली सी, पर अमृतसर की जगह इन्हों दिल्ली उतार जाती है क्योंकि अमृतसर के धुंद ज़्यादा पै रही थी, जिस तों बाद इन्हों एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दिता जाता। तो पानी तक पीने लिए इन्हों तरले कढ़ने पैंदे ने। फिर अके लोगों ने एयर इंडिया के खिलाफ जम के नारेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने इस संबंधी कई इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहा कि पहला तो साड़ी फ्लाइट सी जिहड़ी दुबई तो कई घंटिया की देरी दे नाल चलती है, अते फिर उन्होंने अमृतसर की जगह दिल्ली उतार दिता जाता है, तो फिर ना ही उन्होंने कुछ खाण नूं दिता जाता है, तो ना ही पीण नूं, तो ना ही इन्हों एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली। तो फिर इन्हों की एयरपोर्ट के स्टाफ के नाल बहस हो जाती है, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। दस दें कि सवेर तो ही यह लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं, तो न्यूज़ 18 की टीम नाल गलबात करके इन्होंने सारा मामला सामने रखा। न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दे रही हूँ अपना। हमें 2 बजे हमें वहाँ से चलना था शारजा से अमृतसर के लिए, लेकिन हमारी वहाँ पे 3-2.5 घंटे फ्लाइट लेट की, डिले की। वहाँ पे हम बैठे 9 बजे से खाना खा के बैठे थे 2:30 बजे, उसके बाद आके पता लगता है कि हमें दिल्ली में उतार दिया गया कि वहाँ पे फॉग है। बाद में पता लगा कि वहाँ फॉग भी नहीं था, फ्लाइट लैंड कर रही है अमृतसर में। फिर हम बोल रहे कि हमें पानी दे दो। 5 घंटे हम लोग रोते रहे, तब जाके हमें एक बॉटल पानी मिली है, ना हमें खाना मिला है सुबह से, ना चाय मिली है। 2 बज चुके हैं, हमें 5 घंटे से हम लोग रो रहे हैं, ना हमें ऐसे निकलने दे रहे हैं। हमारे चारों तरफ आर्मी लगा दी, क्या हम तालिबान हैं? हम अपने देश में क्या आतंकवादी हैं? ना हमें खाना देंगे, हमें ये जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ है कहते हैं प्रोटोकॉल नहीं है। हमारी वहाँ पे हमने बस की हुई थी, 12,000 रुपए उसको दिए थे, हमारे पास सामान था, हम 9 लोग थे, वो चली गई, कहते हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। अगर हम 1 किलो सामान या एक्स्ट्रा लेके आते तो हमारे से पैसा लेते हैं, लेकिन इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। ये हमें कोई रिफंड नहीं करेंगे, हमें टाइम से घर नहीं भेजेंगे। एक लड़की जिसके पास डेथ बैठते हैं, वो हाथ जोड़ रही मुझे जाने दो, नहीं जाने दिया जा रहा। क्या हम अपने देश में आतंकवादी हैं? इससे ज्यादा हद नहीं हो सकती, इससे ज्यादा अपने देश की हद नहीं हो सकती कि हम अपने ही देश में गुलाम हो गए। हद मतलब क्या नाम है मैडम आपका? शर्म आती है। प्रोमिला सांगवान, लग चुकी है। लोग एक एक कप का नूडल दे दिया लोग को खाने बैठ के, मतलब हद से बेशर्मी की। वो खड़े से भी कैसे उतरे कच्चे नूडल, पैसे दिए कि प्लीज हमारे से पैसे लेके हमें खाना दे दो, वो भी नहीं देंगे। वो भी नहीं दिया हमें। हमारी गलती क्या है? टेल मी, हमारी गलती क्या है? हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसे निकलने दो, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। बच्चे लोग बैठे हैं ऐसे, हमें आके आके कहते हैं कि जो पायलट है उसकी ड्यूटी आज खत्म हो गई, इसलिए तुम कहती हो तब तक कोई दूसरा नहीं आएगा। 5 घंटे से यहाँ पायलट नहीं है। अगर हम 2 किलो अगर आपने इधर उतारा, आपके लिए ऑप्शन भी होना चाहिए ना फिर आगे एक टाइम बता दो कितने बजे के बाद छोड़ेगा? सुबह से सही है, बाद एक आधा घंटा हम लोग इधर वेट करते हैं। सुबह कल से हम लोग रिक्वेस्ट खड़े 12 बजे तक।